अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं कुकिंग विद हादिया नाल जी। व्यूवर्स, अज असीं अपनी वीडियो च बनांदे आ लोडेड फ्राइज, जो बन के बहुत ही मज़ेदार ते टेस्टी किस्म दी तैयार हुंदी है ते ईजीली बन जांदी है ते बच्चे बहुत शौक दे नाल खांदे ने। ते अज असीं वीडियो विच बनाउण दा दिखावांगे कि असीं किस तरह लोडेड फ्राइज बनावांगे। ते व्यूवर्स, अगर तुसीं मेरे चैनल नूं लाइक कमेंट ते सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल नूं लाइक कमेंट ते सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो थोड़े तक बआसानी पहुँच सके। हाँ जी, तो असी पैन च दो चम्मच है तो हम असी हल्का ब्राउन होने के बाद इनको कितना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन असी बोनलैस लिता है इस वास्ते फिर बनती आँच से पकावे तेज आँच से करा तो सख्त हो जाएगा फिर बनती आँच से ही बना। थोड़ा जहा नमक ऐड करा टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा जहा सोया सॉस ऐड करा तकरीबन दो चम्मच, थोड़ा जहा चिली सॉस, तकरीबन दो चम्मच डालेंगे। अद्धा चम्मच टुकड़िया हुई लाल मिर्चा का ऐड करा, अगर तुम ज्यादा मिर्चा नहीं पसंद करते तो कम भी डाल दो थोड़ी जी, हाफ चम्मच जरा कालिया मिर्चा का ऐड किया, हल्की आंच से पकन देंगे जी। तेरा कलर थोड़ा जहा अच्छा करने वास्ते अद्धा चम्मच पपरीका पाउडर का ऐड करा, अगर थोड़े को नहीं है तो तुम स्किप भी कर सकते हो। हल्की आंच से पकन सारा चिकन अच्छी तरह सोफ्ट हो जाए तो अंदर तक यह मसाला अच्छी तरह जजब हो जाए जी। तो सारा चिकन अच्छी तरह हो गया सोफ्ट, हम इसमें फ्लेम करने बंद से अपनी फ्राई कर लेने फ्राई जी। व्यूवर्स, तो मैं आलू नूं अच्छी तरह धो धो के तेनूं असी इस सादे फ्राइज विच असी कटिंग कर लिया सी ते हुण असी नूं तकरीबन मैं आधे घंटे पहले इन्हां नूं धो के अच्छी तरह ते खुशक होने वास्ते रख दिता सी ते हुण असी इहदे ते थोड़ा जिहा कॉर्नफ्लावर लगावां ताकि साड़ी फ्राइज जिहड़ियां ने थोड़ियां जिहा क्रिस्पी बन जाण ते जिहड़े आलू ने अच्छी तरह खुशक होने चाहिए ने, अगर आलू खुशक ना हो ते साड़ी फ्राइज जिहड़ियां ने उन्नियां अच्छियां नहीं बननियां है। अच्छी तरह असी इहदे कॉर्नफ्लावर लगा लांगे ताकि साड़े जिहड़े फ्राइज ने जरा क्रिस्पी जे बन के तैयार होण। देखो माशाल्लाह नाल किन्ने जबरदस्त इहदे कॉर्नफ्लावर लग गया जी। तो असी कढ़ाई विच ऑयल गर्म होने वास्ते रख दिता सी ते तकरीबन साड़ा ऑयल हो गया गर्म ते सिरे च अपने फ्राइज जड़े ने वह डालांगे। असी हल्की आंच से फ्राई करांगे जी। तो सारी जबरदस्त ही फ्राइज हो गई है फ्राई, तो हम असी इन्हें निकाल लें जी। व्यूअर्स, साड़ा चिकन भी बन के हो गया तैयार ते फ्राइज असी कर लिया फ्राई, हुण असी लोडेड फ्राइज का सॉस तैयार कर लैने। कैचअप ले लेंगे दो चम्मच,
मैं चिली गार्लिक सॉस लिता सी, सादा सॉस भी यूज कर सकते हो। दो चम्मच अस लवेंगे मायोनीज से, थोड़ा जहा सी चिली सॉस ऐड करांगे, मिक्स कर लांगे अच्छी तरह। तुसी चिली गार्लिक सॉस दे अगर नहीं ज्यादा मिर्चा करदे तुसी सादा कैचअप भी ले सकते हो। जबरदस्त जा लोडी फ्राइज का सॉस बन के हो गया तैयार। हुण असीं सब चीज़ां नूं असेंबल कर लैंदे आ। मैं इत्थे लिया एक बोल, इस असीं पहले फ्राइज डालांगे, चिकन डालांगे, ऊपर फिर फ्राइज लगावांगे। सॉस डालांगे, चीज डालांगे। अगर थोड़े को चीज नहीं है तो तुसी अगर ऐसा भी पसंद कर दे तो खाली ऐसे भी खा सकते हो। मैं चेडर चीज दे मोज़रेला चीज दोनों लगावांगी, बहुत ही मज़ेदार ते टेस्टी किस्म के लोडेड फ्राई साढ़े बन के होंगे तैयार। पर असी थोड़ी जी शिमला मिर्च के क्यूब डालांगे, कॉर्नस डालांगे, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। थोड़े जे ऑलिव्स लगावांगे, बहुत ही टेस्टी ते मज़ेदार लोडेड फ्राइज बन के साड़ी होई तैयार। ते अगर तुसी मेरे चैनल नू सब्सक्राइब नहीं कीता ते सब्सक्राइब करो ते लाइक करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तुहाडे तक बासानी पहुँच सके। जबरदस्त जी लोडेड फ्राइज साड़ी बन के होएगी तैयार। हुण असीं नू 180 डिग्री ते ओवन च रखांगे। जी व्यूवर्स ते मैं 180 डिग्री ते 10 मिनट वास्ते लगा दिता इनू, ते असीं नू 10 मिनट बाद चेक करांगे साड़ी लोडेड फ्राइज बन के कहो जी तैयार हुई। जी व्यूवर्स ते देखो माशाल्लाह साड़ी किन्नी जबरदस्त जी लोडेड फ्राइज बन के हुई है तैयार, ते तुसी जरूर ट्राई करनी है। ते बहुत ही मज़ेदार ते टेस्टी बन के हुई है तैयार, ते माशाल्लाह देखो लुक किन्नी जबरदस्त है। ते व्यूवर्स अगर तुसी मेरे चैनल नू लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो तुहाडे तक बासानी पहुँच सके।